रहे हैं। ग्वालियर में नौकरी लगवाने के झांसा देकर ठगों ने एक युवती से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 54,465 रुपये ले लिए और बार बार पैसे मांगने पर जब युवती को ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो धोखाधड़ी करने वाले ठगों ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से की है। CSP विजय सिंह भदौरिया ने कहा कि आकांक्षा दुबे ने सोशल मीडिया पर नौकरी का विज्ञापन देखकर अवनी और राहुल शर्मा से संपर्क किया था। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर टेक्निकल एविडेंस के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक युवती है और उसको इसने अपने अकाउंट सोशल मीडिया के थ्रू उसको जानकारी मिली कि एक कंपनी है उसको नौकरी लोगों को देती है। उसने बातचीत किया तो जो बहुत से बात हुई, उन्होंने नौकरी लगाने के बहाने से कभी फॉर्म फीस के नाम पर, कभी सर्विस फीस के नाम पर ऐसे करके लगभग 54,000 रुपये अपने खाते में डलवा लिए और धोखाधड़ी पूर्वक राशि प्राप्त कर ली। इस पर से युवती